गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हैं तो हाय, आई एम सुप्रिया। आई मेक वीडियोज अबाउट लाइफ स्टाइल, फैशन, हॉल एंड ट्रैवल। तो अगर आपको इस टाइप का कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। इट विल रियली हेल्प माई चैनल टू ग्रो। तो आज की वीडियो होने वाली है वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज ऑन माई चैनल, और वो है मीशो हॉल। मैंने काफी सारी चीजें परचेज की है फ्रॉम मीशो, तो आपको अभी मेरे चैनल पर काफी सारे मीशो हॉल्स देखने को मिलेंगे। बट आज पर्टिकुलरली ना मैं आपके साथ में कुछ चिकनकारी कुर्ता शेयर करने वाली हूँ, एंड दीज आर सुपर डुपर अफोर्डेबल। आई डोंट थिंक कि इनमें से कोई भी 700 से ज्यादा का है, तो ये हॉल काफी अफोर्डेबल होने वाला है। इन सबके लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। और चलो अब बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वेट, कुर्ता शेयर करने से पहले ना मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर एड्रेस करना चाहती हूँ जो कि मुझे काफी फ्रिक्वेंटली आता है, और वो है कि एथनिक वेयर के साथ में किस टाइप का मेकअप लुक किया जाए। अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मुझे पर्सनली रेड और पिंक लिप्स विद अ वेल डिफाइंड आईज काफी अच्छा लगता है, स्पेशली विद एथनिक वेयर। एंड वन प्रोडक्ट जिसको यूज करके आप एक वेल डिफाइंड आई लुक अचीव कर सकते हो वो है आई लाइनर। बट फाइंडिंग अ परफेक्ट आई लाइनर इज नॉट ईजी एट ऑल। समटाइम्स दे गेट ड्राई वेरी क्विकली, उनको ना अप्लाई करना भी बिल्कुल ईजी नहीं होता है। पर अगर मैं आपसे कहूँ दैट आई हैव फाउंड अ परफेक्ट आई लाइनर जो की काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी से ड्राई भी हो जाता है, एंड आपको वन स्ट्रोक पिगमेंटेशन मिलता है टू गेट दैट वेल डिफाइंड आई लुक, और वो है मामा अर्थ सूदिंग वाटर प्रूफ आई लाइनर। दिस इज क्राफ्टेड विथ अ वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला दैट स्टेज फॉर 10 आवर्स। इट इज एनरिच्ड विद द गुडनेस ऑफ आमंड ऑयल विच मॉइस्चराइजर्स एंड सूद्स आईज। इट ऑल्सो हैज कैस्टर ऑयल विच हेल्प्स यू गेट थिकर एंड फुलर लैशेज। इट कंटेन्स वाइटामिन ई एज वेल दैट हेल्प्स टू सूद एंड नरिश योर आईज। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स फॉर्मूला, इट हैज अ क्विक ड्राइंग फॉर्मूला। दिस आई लाइनर ड्राइज पोस्ट एप्लीकेशन विद इन 10 seconds, एंड यू विल गेट अ परफेक्ट ब्लैक मैट फिनिश, एंड दैट टू जस्ट विथ वन स्ट्रोक। दिस प्रोडक्ट इज ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड। यू कैन यूज दिस आई लाइनर ऑन डेली बेसिस बिकॉज ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर मेड सेफ सर्टिफाइड, विच इज अ प्रूफ ऑफ नो टॉक्सिन्स, केमिकल्स और पैराबेन्स। मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इन साइड, एंड दिस गुडनेस डजंट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, सो दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज। दे रिसाइकल ओवर 240 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक एवरी मंथ, 1 metric ton इक्वल टू 1000 kgs। मामाअर्थ ऑल्सो हैव देयर प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, वेर एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इट इज एक्चुअल प्लांट, एंड आपको उसके सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ एग्जैक्ट जियो लोकेशन। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट, यू कैन यूज माई डिस्काउंट कोड SOOPY2022 टू अवेल 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। This product is also available on Amazon, Nykaa, Mamaearth official website and application. Mamaearth has also launched their application where you will get early access to sales and extra discounts as well. I am in love with this eyeliner. आप इसको definitely try कर सकते हो. I am pretty sure आपको ये काफी ज्यादा पसंद आएगा. Now let's move on to our haul. तो हमारे haul का जो सबसे पहला कुर्ता है ना, वो है दिस रेड कलर चिकनकारी कुर्ता। सो दिस इज द कुर्ता, सो इट हैज दिस राउंड नेक लाइन। इसके ना ये नेक लाइन के पास आपको व्हाइट कलर के थ्रेड से बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, एंड देन इट हैज दिस 3x4 स्लीव। इसके ना स्लीव्स के ऊपर भी वो सेम व्हाइट कलर के थ्रेड से बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एंड देन दिस कुर्ता इज इन पेपलम स्टाइल। तो इसके ना वेस्ट पे आपको एक ड्रॉ स्ट्रिंग मिल जाती है, इसके हेल्प से ना आप इसको अपने वेस्ट के पास में सिंच कर सकते हो, एंड देन इट फ्लेयर्स आउट सो ब्यूटीफुली। क्या ना ये बॉटम पार्ट पे भी आपको व्हाइट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। इसका जो फैब्रिक है ना वो है जॉर्जेट फैब्रिक, एंड ये ना काफी सॉफ्ट सा जॉर्जेट है, इट इज वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर। इसका जो टॉप हाफ है ना इट इज डबल लाइंड, तो ये ना लाइक अपर हाफ से बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। इसके स्लीव यानी जो नीचे का पोर्शन है ना, इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं लगी हुई है। इसमें दे हैड बंच ऑफ डिफरेंट कलर्स अवेलेबल, इसमें आपको एक ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, पिंक, व्हाइट, आई थिंक आपको सारे कलर से अवेलेबल मिल जाएंगे। बट मेरे पास ना लाइक स्पेशली ये चिकनकारी वाले स्टाइल में रेड कलर का कुछ भी नहीं था, सो आई वेंट फॉर दिस रेड कलर, एंड ये ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। मैंने इसको साइज लार्ज में लिया, एंड ये ना मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। आप भी इसमें अपने यूजुअल साइज के लिए ही जा सकते हो। इस टाइप के जो चिकनकारी कुर्ताज होते हैं वो ना रिप जींस के साथ काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक दे लुक वेरी स्मार्ट। अगर आपको ये सुंदर लग रहा है डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस वन, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट अप आई हैव दिस पिंक कलर कुर्ता सेट। सो दिस इज द कुर्ता, सो इट हैज दिस राउंड नेक लाइन विद दिस वी कट आउट। ये नेक
नेकलाइन के पास आपको अगेन व्हाइट कलर के थ्रेड से बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की हुई मिल जाती है। एंड देन इट हैज 3x4 स्लीव, इसके ना स्लीव्स पे भी आपको व्हाइट कलर से एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। एंड देन ये एक फ्लेयर्ड कुर्ता है, इसका जो घेर है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बॉटम पे भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसका जो फैब्रिक है ना वो है कॉटन ब्लेंड फैब्रिक, ये ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड काफी ब्रीदेबल सा फैब्रिक है, ये ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है पहनने के बाद। एंड इसके साथ में ना आपको एक ये बॉटम वेयर भी मिल जाता है, तो ये ना एक स्ट्रेट फिट का पैंट है। इसके ना ये नीचे में इट हैज दिस लेस डिटेलिंग। मैंने इस वाले कुर्ता सेट को ना पहले अपने यूजुअल साइज लार्ज में मंगाया था, बट वो ना मुझे हल्का सा लाइक टाइट हो रहा था। देन मैंने इसको एक्सचेंज किया है विद साइज एक्सेल, एंड मैंने अभी जो साइज पहन रखा है वो साइज एक्सेल है। तो अगर आप इसको परचेज करने का सोच रहे हैं डेफिनेटली साइज अप इन दिस। एंड ये मुझे मिला है फॉर 622 रुपीज, एंड आई थिंक फॉर दिस प्राइस ना आपको एक ये पूरा कुर्ता सेट मिल रहा है, और वो भी चिकनकारी वर्क में। आई थिंक एक बहुत ही अच्छी डील है, और अगर आपको ये सुंदर लग रहा है डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस वन, हाई रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट अप आई हैव दिस ब्लैक कलर चिकनकारी कुर्ता। सो दिस इज द कुर्ता, सो इट हैज दिस राउंड नेकलाइन विद दिस वी कटआउट, एंड देन इट हैज दीज फुल स्लीव, एंड देन ये एक स्ट्रेट फिट का कुर्ता है। इट हैज स्लिट्स ऑन बोथ द साइड। सो दिस कुर्ता इज इन जॉर्जेट फैब्रिक, एंड इसके ऊपर ना आपको ये ब्लैक कलर के थ्रेड से पूरे ही कुर्ता के ऊपर में ऐसे एम्ब्रॉयडरी की हुई मिल जाती है, लाइक ये ना पूरा भरा हुआ एम्ब्रॉयडरी है। एंड दिस कुर्ता इज सी थ्रू, इसके साथ में ना कोई भी इनर नहीं आता है, तो इसके साथ आपको कोई ब्लैक कलर का स्लिप पहनना पड़ेगा। मैंने इसको अपनी यूजुअल साइज लार्ज में लिया है, एंड ये मुझे मिला था अराउंड 400 रुपीज के आसपास, एंड आई थिंक फॉर दिस प्राइस में एक बहुत ही अच्छा कुर्ता है। इसमें आपको 3-4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसमें एक ये वाला ब्लैक है, व्हाइट है, रॉयल ब्लू है, एंड एक रेड कलर है। तो आपको लाइक जो भी कलर अच्छा लगता है वो अपने लिए परचेज कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली ये जो ब्लैक वाला है ना काफी ज्यादा सुंदर लगा। नेक्स्ट अप आई हैव दिस व्हाइट कलर चिकनकारी कुर्ता। सो दिस इज द कुर्ता, सो अगेन इट हैज दिस राउंड नेकलाइन। इसका ना ये नेकलाइन के पास बहुत ही सुंदर सी व्हाइट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एंड ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो आपको पूरे ही कुर्ता के ऊपर में मिल जाती है। एंड देन इट हैज दीज फुल स्लीव, एंड ये ना एक स्ट्रेट फिट का कुर्ता है विद स्लिट्स ऑन बोथ द साइड। एंड आप ना इसके ये बॉटम पार्ट पे देखो, इस पे इतनी सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना, एंड व्हाइट के ऊपर ना ये काफी सुंदर लग रहा है। दिस कुर्ता इज अगेन इन जॉर्जेट फैब्रिक, एंड ये ना काफी पतला वाला लाइक जॉर्जेट फैब्रिक है, तो ये ना काफी ज्यादा सी थ्रू है। बट इसके साथ में पेयर करने के लिए आपको ये व्हाइट कलर का कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग भी मिल जाती है, बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लाइक ये भी ना काफी ज्यादा सी थ्रू है। आई डोंट नो कि अभी आपको ये कैमरा पे दिख रहा है या फिर नहीं, वेट सी, कैन यू सी दैट। सो आप इसको पहनो या फिर नहीं पहनो एक ही बात है। सो आई थिंक अगर आप इसको परचेज करने का सोच रहे हो ना, तो आपको इसके अंदर एक अपना स्लिप ही पहनना पड़ेगा, आई थिंक वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सो मैंने इसको भी अपने यूजुअल साइज लार्ज में लिया था, मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। आप भी अपने एग्जैक्ट साइज के लिए इसमें जा सकते हो। एंड ये मुझे मिला है आई थिंक अराउंड 430 रुपीज के आसपास, एंड फॉर 430 रुपीज ना एक व्हाइट कलर का चिकनकारी कुर्ता बहुत ही अच्छी डील है। एंड यह मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आया। अगर आपको ये सुंदर लग रहा है डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। एंड द लास्ट कुर्ता ऑफ दिस हॉल इज दिस ब्लू कलर कुर्ता। तो मैंने इसको साइज लार्ज में लिया है, एंड ये मुझे मिला फॉर 296 रुपीज। सो दिस इज द कुर्ता, सो इट हैज दिस राउंड नेकलाइन, एंड इसके ना ये नेकलाइन के पास आपको व्हाइट कलर के थ्रेड से बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की हुई भी मिल जाती है। एंड देन इट हैज फुल स्लीव, एंड देन ये एक स्ट्रेट फिट का कुर्ता है। इट हैज स्लिट्स ऑन बोथ द साइड। इसके ना ये फ्रंट पार्ट पे पूरे ही कुर्ता के ऊपर में आपको ये व्हाइट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी भी मिल जाती है, विच लुक्स वेरी वेरी क्यूट। दिस कुर्ता इज इन कॉटन फैब्रिक, ये ना अभी काफी ज्यादा लाइक स्टिफ सा लग रहा है, बट आफ्टर वन वॉश ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने इसको अपने यूजुअल साइज लार्ज में लिया है, ये मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। अगर आपको ये लाइक हल्का सा और लूज चाहिए ना, तो यू कैन साइज अप इन दिस, अदरवाइज यू कैन गो विथ योर ओन साइज, ये आपको बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। और ये मुझे मिला है जस्ट फॉर 296 रुपीज, लाइक आजकल आपको 300 रुपए में क्या ही मिलता है यार। और अगर आपको एक इतना सुंदर सा कुर्ता मिल रहा है, आई थिंक आपको इसको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन का बेल है आप उसको भी प्रेस करो, ताकि यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव देयर। And I have taken 365 days challenge on YouTube as well as on Instagram. तो मैं YouTube and Instagram दोनों पे ही daily travel and fashion का content share करती हूँ। तो अगर आपको travel and fashion content में interest है, so make sure कि आप मुझे Instagram पे जरूर follow करो। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो। Subscribe नहीं किया है then please do subscribe. I am always grateful for your guys, and चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में। Bye.